हेलो एवरीवन, नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमें। हमने सब्जेक्ट वाइज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के एमसीक्यू लेके आए थे, जिसमें हम आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करवा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है एग्रीकल्चरल लाइब्रेरी, मेडिकल लाइब्रेरी और इंजीनियर लाइब्रेरी आर एग्जाम्पल ऑफ। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है ऑप्शन 3 स्पेशल लाइब्रेरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रू वर्चुअल लाइब्रेरी आर। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वर्चुअल लाइब्रेरी के? तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देर इज़ नो कॉरस्पॉन्डिंग फिजिकल कलेक्शन, ठीक है, फिजिकल कलेक्शन नहीं होता। डॉक्यूमेंट्स विल बी अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होते हैं। डॉक्यूमेंट आर नॉट स्टोर्ड इन एनी लोकेशन, उनकी कोई लोकेशन नहीं होती फिजिकली। वैसे उनकी लोकेशन होती है, मतलब वो आपको मिल जाएंगे, उनका आईपी एड्रेस मिल जाएगा, उनकी लोकेशन मिल जाएगी, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलेगी, लाइक वैसे फिजिकली उनकी कोई लोकेशन नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइब्रेरी इज़ अ टर्म यूज्ड बाय लाइब्रेरियंस टू डिस्क्राइब लाइब्रेरीज कंटेनिंग अ मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल प्रिंट एंड लाइब्रेरी रिसोर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाइब्रिड, ठीक है। तो हाइब्रिड लाइब्रेरीज जो होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें प्रिंट मटेरियल भी होता है और इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल भी होता है। जैसे कि आजकल की जो लाइब्रेरीज है वो बेसिकली हाइब्रिड लाइब्रेरीज है। हमारे पास क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट भी है और प्रिंट फॉर्मेट भी है। तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है, अभी जो बोल सकते हैं जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पर जितनी भी लाइब्रेरीज है वो हाइब्रिड है। उनके पास इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स भी है और प्रिंटेड रिसोर्स भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोन नॉट अ नॉलेज क्रिएटिंग इंस्टीट्यूट। तो इसमें से कौन से जो है वो इंस्टीट्यूट नहीं है नॉलेज क्रिएटिंग के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मार्केट। मार्केट बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड होता है, ना कि नॉलेज से, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्टिंग एब्स्ट्रैक्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग एंड इंफॉर्मेशन आर एक्टिविटीज ऑफ एन IAC। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 इवेल्यूएटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा कलेक्शन कंट्रोल कॉडिफिकेशन एंड रिट्रीवल आर एक्टिविटी ऑफ। किस चीज़ की एक्टिविटी है? तो ये एक्टिविटी है डेटा सेंटर्स की, ठीक है। क्या हो रहा है? डेटा कलेक्शन हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, कॉडिफिकेशन हो रहा है, रिट्रीव हो रहा है, रिट्रीवल के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ICT हैज़ मेड पॉसिबल द डैश ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या पॉसिबल किया है उन्होंने? तो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया और ऑर्गेनाइजेशन किया। इसका जो राइट आंसर हुआ ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन ब्रोकरिंग सेट ऑन द एक्सियल प्रिंसिपल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है इंफॉर्मेशन फॉर फ्री। नेक्स्ट देख लेते हैं। आर मेडिएटर बिटवीन इंफॉर्मेशन सोर्स एंड इंफॉर्मेशन यूज़र। कौन है मेडिएटर? तो वो है इंफॉर्मेशन फिल्टर, जो है वो सोर्स और यूज़र्स के बीच का मेडिएटर है, इंफॉर्मेशन फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है ICOLC स्टैंड्स फॉर। ये इसका स्टैंड्स क्या है? इसका स्टैंड्स है इंटरनेशनल कोलिएशन ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्शिया, ठीक है। इस तरीके से हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज किए इस सेशन में। हमारे चैनल पे आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इसे सपोर्ट करो, इसे प्रमोट करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिले अच्छी वीडियोज़ बनाने का। थैंक यू सो मच।